अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है फहीमुल साहिल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहिल ट्रिक्स। सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री जहाँ मामूली सी गलती पर भी आपको जुर्माना किया जा सकता है, हत्ता कि आपको कैद भी किया जा सकता है। सऊदी वाहिद ऐसी कंट्री मुझे लगती है, हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ तो अल्लाह ही ख्याल करें। तो यहाँ पे एक और कानून, कुछ कवानीन में तरामीम हो चुकी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अब जुर्माना कितना होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे शोरा ने कुछ कवानीन में तरामीम की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल साहिल ट्रिक्स पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको बज़रिए नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मजलिस शूरा के ने बताया है कि ट्रैफिक कानून में 28 तरामीम की गई है। शरी कानून, सलामती उमूर और हुकूक़ को मद्दनज़र रख कर ये तमाम तरामीम जो है की गई हैं। शोरा के अमन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 1000 रियाल जुर्माना, इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियों के ताकुब पर 1000 रियाल जुर्माना। ये जो बात है ये काबिल नोट है। ममनू मकामात पर मुसाफिरों को ले जाने पर 500 रियाल जुर्माना और ट्रकों और हैवी मशीनरी वाली गाड़ी के शहर में दाखिले होने पर भी 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो हमारी कंट्रीज़ में होता है जो कि नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियों का ताकुब, यहाँ पे बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको 1000 रियाल से हाथ धोना पड़ेगा, आपको जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ पे लाइसेंस जब्त होने पर अगर गाड़ी चलाते हैं तब भी आपको 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। सरकारी कारों को तरजीह बुनियादों पर गुजरने में रुकावट पैदा करने का जुर्माना भी 1000 रियाल होगा। किसी भी सरकारी गाड़ी को आप रास्ता नहीं देते या रुकावट कोई किसी भी किस्म की रुकावट वगैरह खड़े करते हैं या पैदा करते हैं तब भी आपको 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ पर खिलाफ वर्जी के जो जुर्माने हैं वो कम कर दिए गए हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन जो तरामीम की गई है वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप गाइस कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।